करवाया, ऑलरेडी किए हुए पत्र, पर एक बार पत्र के फॉर्मेट्स कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारे बेटे अनौपचारिक पत्र नहीं है, हमारे सारे औपचारिक पत्र ही है, ठीक है ना। मतलब पर्सनल लेटर्स नहीं है, हमारी सारी ऑफिशियल लेटर्स हैं। अब कौन से ऑफिस को कौन सी लेटर आ जाए कुछ नहीं कह सकते, है ना, ऑफिशियल पत्र। अब कहाँ कहाँ ऑफिशियल पत्र लिखे जाते हैं बेटी, ऑफिशियल लेटर? एक तो स्कूल में लिखा जाता है ना, और नगर निगम को लिखा जाता है ना, देन संपादक को, और पुलिस स्टेशन, और बैंक अधिकारी, और बिजली बोर्ड, वो तो यही हो गया नगर निगम, यही स्वास्थ्य अधिकारी, और परिवहन निगम। मुझे लगता है यही है ना, परिवहन। बताती हूँ, यहाँ पुस्तक विक्रेता, दूरदर्शन के अधिकारी को, बस ज्यादा से ज्यादा यही बात है। अब एक बार समझ लें हम कि ये सारे क्या हैं, क्या है। देखो, स्कूल प्रिंसिपल को आप मैक्सिममली लिखते आ रहे हो शुरू से, नगर निगम मतलब मोहल्ले की सफाई कराएंगे, कूड़ा करकट है, कोई पालतू कुत्ते घूम रहे हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, सारे सारी कंप्लेंट्स ही नहीं को जाएंगी, कोई मच्छर है, कोई मच्छर, स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही, तब भी यही सब कुछ होगा, स्ट्रीट लाइट्स चलो बिजली बोर्ड को चला जाएगा। संपादक को, संपादक को तो आप किसी विषय पे भी लिख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है संपादक को, न्यूज पेपर एडिटर को, पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन को यही लिखेंगे ना, हमारे मोहल्ले में चोरियां हो रही हैं, गुंडे खड़े हो जाते हैं, ग्रुप बना के, या कोई दारू वगैरह की दुकानें है ना, बिस्की वगैरह की दुकानें, हाँ है ना। तो बैंक अधिकारी को, हमारा एटीएम खो गया, हमारा पिन है खो गया, या हमारी चेकबुक है नई दे दो, पुरानी दे ले लो, मतलब वो हमारा नया खाता खोल दो, बैंक अधिकारी को जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ। बिजली बोर्ड को तो बिजली की जो होगी, कंबों की लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा रहता है। परिवहन निगम होता है बस ट्रांसपोर्ट, है ना, तो बस में मेरा पर्स खो गया है, बसें लेट आती हैं, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, नियमित समय पर आने वाली बस 15 मिनट लेट आती है, रास्ते में बड़ा टाइम लगाती हैं, हर स्टेशन पे हर व्यक्ति को चढ़ाती जाती हैं, तो हमें पहुंचने में दिक्कत हो जाती है, लेट हो जाते हैं, ओके। देन पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें मंगवाई, अच्छी कंडीशन में नहीं है तो उसे करोगे, या मंगवानी है तो लिखोगे, और दूरदर्शन को लिख सकते हो कि ये अप्रोप्रिएट कार्यक्रम नहीं दिखाते आप, हाँ बच्चों के देखने वाले नहीं होते, आपको खुल के ऐसे कार्यक्रम नहीं दिखाने चाहिए, अच्छे देशभक्ति के कार्यक्रम दिखाने चाहिए, जिससे कि बच्चों में अच्छी भावना बन रही। ये सारे पत्र हैं, यानी ऑफिशियल लेटर्स हैं, सारी औपचारिक पत्र हैं, अनौपचारिक नहीं है। अब जो औपचारिक पत्र हैं, औपचारिक मीन्स जिनमें फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखना है, बात याद रखनी है, उसमें विषय जरूर लिखना है, वेले नहीं है वो, ये सारे अधिकारी वेले नहीं है, टाइटल पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपके लिए पत्र पढ़ने लायक होगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो फेंकेंगे। अब आप रोज बिजली बोर्ड वाले अधिकारी को लिखी जा रहे हो कि हमारे मोहल्ले में एक गंबा और लगा के जाओ, वो नहीं पढ़ना चाहता है ना, फेंक देगा आपका पत्र पीछे, उसका टाइम कीमती है। ऐसे ही कुछ फालतू लिख रहे हो तो वो सब्जेक्ट, प्रिंसिपल मैम को सारे ही बच्चे उठ के लिखना शुरू कर दें तो सब्जेक्ट देखेंगे कि रिमिशन ऑफ फाइन है, अच्छा मैं देख लूँ कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा है,
ना मेहंदी की है, कौन सी क्लास का कौन सा बच्चा, किस क्लास को, क्लास टीचर को मुझे फॉरवर्ड करनी है, तो ये सब चीजें विषय जरूर होता है, विषय जरूरी होता है, विषय होता है, विषय होता है, इन सब में विषय, यानी 10th में जब भी लेटर लिखनी है ना विषय लिखना है, पर्सनल लेटर नहीं है। क्या है, पत्र में ऊपर हमारा अपना एड्रेस होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा सिटी, एड्रेस में सिटी आ जाता है, फिर संबोधन होता है, यानी आप किसको लिख रहे हो, फिर विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर, नीचे धन्यवाद वाला होता है, आप कौन हो, आप कौन है, बस इसी में पत्र खत्म हो जाता है। अब ये सारे अलग अलग हैं, सारे अलग अलग फॉर्मेट तैयार करेंगे, नो, हम एक ही फॉर्मेट तैयार करेंगे, और वो फॉर्मेट होगा परी सेवा में सेवा में। अब अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय या अधिकारी महोदय, अधिकारी महोदय या अध्यक्ष या अधिकारी महोदय, अब देखो नगर निगम का भी अधिकारी होगा, स्वास्थ्य अधिकारी ना, संपादक में तो अध्यक्ष महोदय चल जाएगा, पुलिस में भी चल जाएगा अधिकारी महोदय, बैंक भी अधिकारी महोदय या मैनेजर, बिजली बोर्ड में भी अधिकारी महोदय, परिवहन निगम में भी अधिकारी महोदय, पुस्तक विक्रेता को, ठीक है, दूरदर्शन में, सब में यही चल रहा है। डैश 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 शहर, ये शहर नहीं लिखना जब तक, कितनी ध्यान से सुन, ये शहर तब तक डैश 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 रहना है जब तक मेंशन ना हो। अगर आपको दिया हुआ है कि आप कीर्ति नाम की लड़की हैं और आप पटियाला की रहने वाली हैं, ठीक है, और आपने पटियाला के पुलिस कांस्टेबल को पत्र लिखना है, तो फिर आप दे सकते हैं अध्यक्ष महोदय पटियाला, अदरवाइज आप डैश में ही रहने दें। जब तक दिया ना हो पत्र में तब तक नहीं देंगे। इसके बाद होता है हमेशा दिनांक, सॉरी 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 सॉरी, आप अध्यक्ष कहाँ के अध्यक्ष हैं, डिपार्टमेंट अध्यक्ष कहाँ के अध्यक्ष हैं, आप बैंक अधिकारी को लिख रहे हो, थाना अध्यक्ष को लिख रहे हो, नगर निगम के लिख रहे हो, जो लेटर मिली होगी, ठीक है, अध्यक्ष महोदय डैश 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 नगर निगम डैश 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 शहर, तीसरी लाइन में शहर आए, दिनांक, दैट इज मस्ट, इसके बिना कोई भी पत्र पूरा नहीं होगा, और दिनांक तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम इसे जनवरी फरवरी मार्च में लाएं, राइट, लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दिनांक, दिनांक के बाद आएगा विषय, अब लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी, इट इज अप टू यू, थोड़ा सा बाइफरकेटेड कर दीजिए, यहाँ लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ लाइन छोड़ दीजिए, तो अच्छा लगेगा। विषय, अब विषय क्या होगा, जो आपको ऊपर दिया हुआ है कि आप कीर्ति हैं, पटियाला से हैं, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए कि आपका पर्स चोरी हो गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पर्स चोरी की शिकायत, जो विषय होगा वो लिखेंगे, ठीक है, देन यहाँ पे लिखेंगे हम श्रीमान जी, श्रीमान इकट्ठा होता है जी, कोई कॉमा कोई पूर्ण विराम नहीं आता, श्रीमान जी, ये ऊपर वाला हिस्सा है आपका ना, अब आप शुरू कर देंगे, निवेदन है कि प्लीज, सविनय निवेदन नहीं करना, निवेदन है कि मैं इस शहर का निवासी, मैं इस क्लास का स्टूडेंट, वैसे मैक्सिमम लेटर्स में यही आएगा, मैं डैश शहर का निवासी, सॉरी निवेदन है कि मैं डैश शहर का निवासी,
आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं, किस बारे में? ठीक है, अगर आप सफाई की करनी है, चोरी की करनी है, जो भी है, मैं डैश नगर का निवासी आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। हाँ सीधा ही, ठीक है बच्चे जी, मैं डैश नगर का निवासी आपको इस बारे में सूचित करना चाहता हूँ, जो भी लेटर दिया हो। ओके, उसके बाद बच्चे लास्ट में, मतलब इस कार्य के लिए मैं आपका धन्यवादी हूंगा या आभारी रहूंगा, ये लाइन याद कर लो बेटे। इस कार्य नहीं लिखेंगे, इस अनुकंपा के लिए, अनुकंपा मीन्स काइंडनेस, इस अनुकंपा के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। कोई जरूरत नहीं बताने की कि मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैडम रहूंगी, लिख दें, नो नीड, सिंपल। इस अनुकंपा के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, इस लाइन को याद कर लो। चाहे वो किसी को भी लिख रहे हैं, नगर निगम को लिख रहे हैं, संपादक को लिख रहे हैं, पुलिस स्टेशन में लिख रहे हैं, बैंक अधिकारी को लिख रहे हैं, बिजली बोर्ड को लिख रहे हैं, परिवहन निगम को लिख रहे हैं, पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हैं, या दूरदर्शन को लिख रहे हैं, या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ठीक अनुकंपा है जी बेटे? सच्चा बोलो। का मतलब है काइंडनेस, आपकी इस ग्रेट बात के लिए, आपकी इस हेल्प के लिए, अनुकंपा। ओके, इसके बाद हमारी लेटर हो जाती है खत्म। धन्यवाद। धन्यवाद होता है, धन्यवाद नहीं होता, धन्यवाद। ओके, देन प्रारथी, लर्न ओनली वन वर्ड प्रारथी। याद है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब हार देखने का था तो मैंने बताया था भवदीय भी हो सकता है। लर्न ओनली वन वर्ड प्रारथी, ठीक है? डैश 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 नाम और पता। आप इनमें से किसी को भी लिख रहे हैं, आपको अपना पता देना ही होगा, कि अगर वो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहता है, बदले में कुछ आपकी हेल्प करना चाहता है, तो आपका एड्रेस तो हो ना, लिखना है। पता मीन्स सिर्फ पता, डैश पता, लिखना नहीं, पता लिखना जरूरी। नाम भी नहीं लिखना, पता भी नहीं लिखना। अब मैंने कहा था कि आप पटियाला की कीर्ति हैं, तो फिर आप नाम लिखेंगे कि कीर्ति है ना, फिर पता लिखेंगे डैश 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 पटियाला, ठीक है? जितनी मर्जी लेटर्स आ जाएं, इसी में समाएंगी। अब 5 नंबर में से अगर हमारा ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा ठीक है, दिनांक डाली है, वो क्या नंबर काटेगा? है ही 5 नंबर की लेटर, बीच में से कितनी गलतियां निकाल देगा आपकी? निकालता है तो निकाल लो ना, एक नंबर काट लो, 4 नंबर ही देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा ऊपर वाला नीचे वाला ठीक है, 4 नंबर नहीं काट सकता वो, ठीक है? इजी वे आउट, लर्न दिस थिंग, इसमें गलती ना हो, कितना बीच में से काटेगा? एक ने तो 1.5 नंबर काट लेगा यार, काट ले, सारा गलत हो तो 1.5 नंबर काट लेगा, कुछ लिखा तो है ही हमने ना, इतने तो बुरे नहीं है हम कि 2 लाइनें 4 लाइनें नहीं लिख पाएंगे, और ऊपर वाली नीचे वाली लाइन मैंने बता ही एक्सक्यूज दिया। मैम, हाँ बोलो बच्चे, दक्षिता बोलो, बोलो दक्षिता। मैम मैंने पूछना था कि जो आपने वो लिखा है अध्यक्ष महोदया, हाँ वो हर लेटर में बस वही आना है अध्यक्ष महोदया। बेटे जी, थोड़ा बहुत आप फेर बदल कर सकती हैं, अध्यक्ष की जगह अधिकारी महोदय लिख सकती हैं, ठीक है? अधिकारी महोदय लिख सकती हैं, अध्यक्ष की जगह स्कूल को लिखेंगी तो प्रिंसिपल महोदय आ जाएगा, प्रधानाचार्य महोदय आ जाएगा, थोड़ा बहुत हेल्प मदद दूंगा, मैक्सिमम 99% यही चलेगा, अध्यक्ष या फिर अधिकारी।
ठीक है, प्रिंसिपल के स्पेलिंग नहीं जरूरत, वहां जो दिया होगा हम वो लिखेंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य लिखा होगा तो प्रधानाचार्य को लिखेंगे, जो वहां दिया होगा। बेटा ये तकरीबन ऊपर दिया हुआ होता है, ऊपर वाला जो लिखना होता है ना वो दिया हुआ होता है लेटर में। आप देखो ना, बिजली बोर्ड का कोई आ गया तो आपको क्या आएगा कि बिजली बोर्ड के अधिकारी को या बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिख कर ये बताओ, नगर निगम अधिकारी को पत्र लिख के ये बताओ, दिया हुआ होगा। ठीक है, कुछ खास मुश्किल नहीं है पत्र में, सिंपल ही है। ऑनलाइन 9 बच्चे आ गए, रूहानी फिर मैं वेट कर रही हूँ उस रूहानी की कि रूहानी दूसरी भी आए। निष्ठा आप कल भी नहीं आए थे बच्चे, निष्ठा कल भी नहीं थी। नहीं बेटा हार्दिक नहीं, हार्दिक अगर यहाँ ना आए तो वहां नहीं होता, पक्का है। वही तो कह रही हूँ ना कि साथ साथ होते हैं, और आप कहते हैं मैं आया था और चला गया था, मेरे पास साथ में लिस्ट होती है। ठीक है बच्चे, बहुत है। सिमन, रोहानी, पलक, कुछ पूछना है? निष्ठा, एनी क्वेरी? ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा, किस किस को पत्र आ सकता है, सम अप करके मैंने बता दिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस बच्चे, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस। ओके।